फ्रेंड्स, मैं एक कार्टेज रिफिल का आज आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे से एक गलती हो गई कि मैं कार्टेज ओपन कर दिया और किस तरह से ओपन किया ये मैंने वीडियो में नहीं बताया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं सेकंड टाइम जब भी कार्टेज ओपन करूँगा तो मैं अपने इस वीडियो में आपको ये ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल कोई नहीं, मैंने खोलने के बाद आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसे रिफिल कैसे करता हूँ और कुछ कुछ कार्टेज में क्या क्या सुविधा रहती है जो आपको इसे भी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने एक कार्टेज खरीदा, टोनर लिया है, इमेज किंग, आप कोई भी कंपनी ले सकते हो। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये जिस दुकान से आप लोगे ना, वो होलसेलर रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, उनसे रिक्वेस्ट करना कि सर कि एक कुप्पी मिल जाए। कुप्पी मतलब कि एक चुंगा टाइप का रहता है ये, इस तरह का। ये एक कार्टन में, कोई भी कार्टेज में, ये कार्टन में एक पीस आता है। आप उस होलसेलर दुकानदार से अगर रिक्वेस्ट करोगे तो आपको वो दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिला है, ताकि मैं एक बार ले लिया हूँ, ताकि जब भी मैं रिफ़िल करूँ तो मुझे रिक्वेस्ट ना करना पड़े। इससे पहले आप देख सकते हो मैंने इस तरह से डब्बा में होल करके रखा था, उस तरह से मैं रिफ़िल करता था। तो मैं वो काफ़ी जुगाड़ू चीज़ है, लेकिन उससे इंक वेस्ट होता था। आज मैं इसमें दिखाऊँगा कि मैं रिफ़िल कैसे करता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैंने एक कैप ओपन कर लिया हूँ। ये कार्टेज है, या हाफ पार्ट इधर है, हाफ पार्ट इधर है। इसे ज़्यादा खोल खाल के छेड़छाड़ ना करें, शांति से अपना काम करें। देखिए यहाँ पे अलग से खोलने का बना हुआ है, इसको रोलर को खोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज़रा सा ये जगह डिस्प्लेस हो जाता, दिक्कत होता है। और इसे ज़्यादा हर दुकान आप देखते हो, जब भी रिफ़िल कराते होगे ना, तो दुकानदार आपको बहुत झाड़ झाड़ के साफ करके ब्लोअर लगा के सब दिखाते हैं। खैर, उतनी करने की ज़रूरत नहीं, आपको भी मालूम भाई, आपका प्रिंटर सेफ प्लेस में रहता है, उतना डस्ट नहीं उड़ता है और कार्टेज में ज़्यादा डस्ट का प्रॉब्लम नहीं आता है। एक बार अगर आप कार्टेज लेते हो तो 5 बार 10 बार भर सकते हो। बहुत ज़्यादा इसमें ये ड्रम का प्रॉब्लम आता है। ड्रम आपका भी मार्केट में 100-150 में मिल जाता है, आप उसे चेंज कर सकते हो। टोनर भी ज़्यादा नहीं आता, 100-150 में आ जाता है बढ़िया टोनर, आप उसे भी रिफ़िल कर सकते हो। ऐसे आप रिफ़िल कराने जाओगे तो आपको करीबन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ जाता है, 250-300। हाँ, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा मेहनत है, टेक्निक है, इसलिए वो चार्ज लेते हैं, उनका चार्ज लेना भी जायज़ है। अगर आप खुद से कर सकते हो ये वीडियो देख के, तो आप खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनको ये ना बोला, भैया क्या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, इतनी की मेहनत आप इतना क्यों ले रहे हो, ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं आपको अब रिफ़िल करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं इसे कैमरा को एक जगह रख देता हूँ। चलिए, अब हो गया हमारा कैमरा सेट। अब मैं आपको इसे रिफ़िल करके दिखाता हूँ। एक बार से थोड़ा सा चेक कर लेंगे, कहीं जमा घड़ा हो, भैया वो सब खाली हो जाएगा। बहुत मुश्किल से सेट किया हूँ कैमरा भाई। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है ये आसान के लगता है, 5-10 मिनट का वीडियो है, तुरंत बन जाता होगा। लेकिन अरे वाह, बनाते बनाते मुझे भी थोड़ा दिक्कत होता है। देखिए, हमेशा ये मैं प्लास्टिक के तिरपाल लगा के यूज़ कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा आप भी इसी तरह से यूज़ करें, क्योंकि देखिए जब ये उड़ता है ना, तो बहुत कचरा फैलता है घर पर। अगर गंदगी हो गई ना, तो बीवी बहुत मारेगी। अरे बीवी नहीं तो माँ से ही, बहन से ही, कोई भी जो अगर सफाई करते हैं ना, बहुत सुनाएंगे आपको। फ़ायदा यही है कि अपना सेफ्टी लेके चले और शांति से कर बार किसी काम करें, ज़्यादा बुद्धि लगाने की कोशिश ना करिए। देखिए यहाँ पर एक होल है, इस होल में ये कैप लगा था, मैंने ये कैप निकाला ये छुरी की मदद से। अब मैं इसे रिफ़िल करने जा रहा हूँ। ये हल्का हल्का प्रेस करना है हमें, देखना भैया इंक जा रहा है कि हाँ जा रहा है इंक। देखिए आप भी देख सकते हो जा रहा है। हल्का से ऐसे सेक कर लेते हैं, फिर से इसे डालते हैं, दबा के कोशिश कीजिए कि अंदर के पूरा बैठा के डालने का। इससे क्या है ना कि बाहर में ज़्यादा धूल नहीं उड़ेगा। धूल मतलब क्या, ये ब्लैक पाउडर का। देखिए बहुत आसानी जा रहा है, लेकिन मैं अगर वो डब्बे पर जो होल करके काम कर रहा था ना, वो जुगाड़ से थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन मुझे ये बहुत सुविधाजनक लगा। मैं फिर से और डालता हूँ। हल्का ध्यान रखिएगा कि एयर में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, हल्का हल्का दबा के इसे खाली कर दें। थोड़ा तो वेस्ट होगा भाई, क्योंकि हम लोग उतना एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है। मैं भी खुद से ही माथा फोड़ता हूँ, क्योंकि कहीं जाके करवाने से अच्छा है कि खुद से ही माथा फोड़ लें। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म होने पर आ गया है कार्टेज, मेरा सारा भरा गया है टोना टो। आदत पड़ गया भाई कार्टेज कार्टेज बोलते बोलते, लेकिन इसे टोनर बोला जाता है, ठीक है। अब कार्टेज यहाँ बोल दिया किसी दुकान में जाके। चलिए, मैंने इसे पूरा खाली कर दिया, अब कुछ नहीं,
हल्का सा फूंक मार के साफ कर लेना, और इसे भी थोड़ा झाड़ लेना है। हाँ, इसमें टेंशन ना लीजिए, जो आपका हाथ गंदा हुआ है ना, पानी से एक बार साबुन से धो देना, हैंड वाश से क्लीन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इंक की तरह इंक लग गया है, ये सारा चारकोल पाउडर रहते हैं, बहुत आसानी से धुल जाते हैं। अब भाई लगाने की बारी है कि लगेगा कैसे। जानेमन चिंता न करो, जुगाड़ तो यहीं कहीं होगा। सबसे पहले इसे सेट किया जाए ये पार्ट को, तो मुझे देखना पड़ेगा भाई सेट कैसे होगा। चलिए, यहाँ जुगाड़ तो दिख रहा बना हुआ है, चलिए बैठा देता हूँ। ये देखिए बारीकी से बैठ नहीं रहा भाई, बैठ जा भाई, इज्जत का फल देना करियो। अबे वीडियो का कबाड़ हो जाएगा, रुक जा, इसे निकाल लेता हूँ, भूतनी के इसके वजह से लगता नहीं बैठ रहा। एक मिनट, ये सारे छोटे छोटे स्क्रू बहुत डिस्टर्ब करते हैं। इसकी माँ की आँख, चलिए खुल गया। सॉरी भाई, क्या करूँ, गाली देने की आदत से पड़ गई, इसलिए मुँह से निकल जाता है। ठीक है, इतना तो बैठ ही गया, कब बैठेगा। अरे नहीं भाई, सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा काटेज का लग जाएगा, नहीं बैठा तो सही से। इसे बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। हाँ ठीक है, ये बेंड हो गया था। वीडियो ऑडियो हो सकता है धीरे आ रहा, कि मैं भी शांति से घर पे बैठ के आराम से कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, ये हो गया सेट। अब मैं इसे यहाँ पे स्क्रू वापस लगा देता हूँ, क्योंकि काटेज को ज़्यादा अंदर तक पूरा खोल के कोई बहादुरी का काम नहीं होगा, फिर आपको सेल्फ से करने में बहुत दिक्कत होगी, खुद से करने में। इसीलिए कम से कम पार्ट पुर्जा खोले, ताकि आपको असेंबल करने में आसानी रहे। मैं आपको ज़्यादा बुद्धिवानी ज्ञानी नहीं बांटूंगा कि भैया पूरा काटेज खोल के नॉलेज बांटो, नहीं तो पता चलेगा वापस लगाने में आपका नॉलेज का एल लग गया। अब यहाँ पे लगेगा ना, अब मैं इसे सेट करने जा रहा हूँ। ओ भाई मुझे मारो मारो मुझे मारो, कैसे सेट होगा। हाँ, ये बैठा लिया मैं इसे नीचे, मैं इसे करके दिखाता हूँ, ओके। मैं ही चढ़ा हो जाता हूँ तो आपको वीडियो पूरा दिखेगा। हाँ चलिए, इसे अंदर बैठा लिया, ये भाई दोनों बराबर बैठ गए। और सबसे आसान तरीका भैया, सिर्फ ये दुरू ये दो ठोक कोना में साइड में लगा रहता है, कोई स्क्रू की ज़रूरत नहीं है, बस इसे बैठाना है सिर्फ हमें, और बराबर बैठाना भाई, गलती हुआ तो बहुत दिक्कत है। ये देखिए आवाज़ किया, यहाँ बैठ गया, मैं पहले इसमें डाल देता हूँ। चलिए ये यहाँ पे एक लग गया, और दूसरे सेम इसी डायरेक्शन में इधर साइड में भी एक लगना है, यहाँ भी लग गया। स्प्रिंग ध्यान दीजिए भैया, दोनों साइड स्प्रिंग होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने गलती किया, एक स्क्रू खोल दिया था, इसका ज़रूरत नहीं था। देख लेता हूँ भाई कहाँ से मैंने खोला था, हाँ यहाँ से मैंने खोला था, देखिए यहाँ पे खोल बना हुआ है, बस इसी होल से मैंने खोला था। मैं वापस यहाँ पे लगा रहा हूँ, और इसे फिर से टाइट कर देता हूँ। आप देखो कितना सिंपल है, ये मेरा कार्टेज रिफिल हो गया। इतना सिंपल है कार्टेज रिफिल करना, सिर्फ 2 मिनट का काम है। और आप लोग सोचते हो कि ये पॉसिबल नहीं है, खुद से नहीं हो पाएगा, तुरंत में सेंटर ढूंढने लग जाते हो कि कहाँ से कोई कंप्यूटर सेंटर मिले जो मेरा कार्टेज रिफिल कर दे। चलिए अच्छी है, अगर मेरा आइडिया मेरा ये वीडियो देख, अगर आपको कुछ समझ में आया हो कि हाँ भाई आसान है करना, तो आप कर सकते हो। मैं तो भैया सेंटर लोग की तो दुकान खुली है, पैसा आपका है, जैसे आप लुटाना चाहो लुटा लो, मैं ज़्यादा कुछ तो ज्ञान नहीं बांटना, लेकिन आप जैसा चाहो आप अपना पैसे को बर्बाद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे आपकी है, पैसा कमाने का तरीका आपका है, बस मेरा काम था कि मैं चाहता था पैसा थोड़ा बच जाए, क्योंकि सेंटर में भरवाने से कि काफ़ी ज़्यादा चार्जेस पड़ जाते हैं, और ये ज़्यादा समय नहीं लेता, काफ़ी आसानी से हो जाता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और आप सभी तक ये वीडियो लाया हूँ। तो कृपया अगर आपको लगे कि खुद से कर सकते हैं तो ज़रूर करना, कोई दिक्कत नहीं। अरे एक दो बार ट्राई ही करना, क्या दिक्कत है, थोड़ा काटेज बर्बाद होगा और क्या होगा, एक से दो बार भरोगे ना भाई पूरा सीख जाओगे, बहुत ही आसान है, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है, घर बैठ के होम सर्विस खुद से, बहुत मज़ा आएगा।